जमशेदपुर के परसुड़िया थाना अंतर्गत हलुदबनी के राव कॉलोनी में महिला की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला के परिजनों ने महिला के पति, उसके देवर और ननद पर हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मृत महिला का नाम रीता प्रामाणिक है। महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई के बीच घर में रहने को लेकर विवाद चल रहा था। उसकी बहन चाहती थी कि इस घर में वह रहे, उसके ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहे, मगर उसका बहनोई रघुवर सिंह यहाँ सभी को रखना चाहता था, इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। बीती रात भी सभी ने मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास का भी स्टेटमेंट ले लीजिएगा लोग, है ना? कल हम लोग, बुधवार था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीटिंग होता है, शाम 5 बजे हम लोग बैठे, तब सही सलामत थी, अच्छी थी, बैठी हम लोग सब मीटिंग की। और आज सुबह को इनका देवर और भाभी हमको, हम सामने के घर में रहते हैं, तो क्या घटना हुआ, कैसे हुआ? ए, कैसे हुआ? बोलिए, कैसे हुआ, मरा कैसे? आप पीछे हटिए, पीछे हटिए, हस्बैंड को बोलना बोलिए। कौन हस्बैंड? उनका बोलिए। घटना है तो हमको पता नहीं था, आसपास का आदमी ने हमको खबर दिया कि रात को इसको मार दिया गया, दीदी को। तो उसमें उसका मेरा दीदी का पति था, उसका भाई था, उसका बहन थी, उसका वाइफ थी। क्या नाम है आपका? किस लिए? दीदी का नाम है आपका रीता प्रामाणिक। अब उसका पति का? पति और नाम क्या है? रघुवर सिंह। अच्छा, क्यों? कौन था? और उनका भाई था, रघुवर सिंह का भाई था। क्या नाम था? और भाई नाम तो नाम नहीं जानते हम लोग, आसपास का जो हम चाची लोगों ने खबर दिया था, चाचा लोगों ने मार के भाग रहा था, तो ये लोग चाची लोगों ने देखा, देखने के बाद इन्होंने रोका, रोकने के बाद फिर हमको फोन किया, तो हम आए। क्या देखे यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद देखे कि मेरा दीदी तो मर चुकी है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था सामने में, लोगों अगरबत्ती वगैरह लगा दिया है, और डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, और ना ही थाना वालों को फोन किया, ना ही उसको MEM जाए, आपका सदर कहीं भी ले गया। कहाँ में मरा हुआ पाया गया था? ये तो घर में मरा हुआ, अभी आंगन में, आंगन में, आपका अंदर में। क्या लगता है किस लिए मारा गया है? अब ये लोगों का संपत्ति का लोभ से मारा होगा, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा कुछ कारण को नहीं बोल पाए। कि मेरा दीदी का कहना था कि मेरा दीदी और जिया जी यहाँ पर रहेंगे, तो जिया जी का कहना है कि मेरा घर का जितना आदमी सबको यहाँ पर लेकर आएंगे यहीं पर रहेंगे, तो दीदी उसमें मैंने राजी नहीं हुई थी, बोला नहीं, जैसा लोग आता है आएगा जाएगा, रहेगा नहीं, जो तो मेरा भाई लोगों बाहर में जाता, आपका भाई भी बाहर में रहेगा। क्या चीज से मारा है कुछ जन? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। चोट उठ का निशान? चोट उठ का निशान मुंडी में है और गला कहाँ पर है। ये घर किसका था? घर एक्चुअली हम ही लोग का है। अच्छा, तो हम लोग तीनों भाई मिलकर दीदी को बोले यहीं पर रहो, क्योंकि वो हैंडीकैप्ट है, अपने से काम नहीं कर पाती है। अच्छा। तो तुम यहीं पर रहो, और यहीं पर मैंने ससुराल जाएगी तो काम नहीं कर पाएगी। तो ससुराल कहाँ है इनका? ससुराल इनका है एग्री सीताराम डेरा। सीताराम डेरा तो क्या घर कब्जा करने का? अब अंदर का बात तो हम नहीं बोल पाएंगे खुल करके, लेकिन क्या है अंदर का बात हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सब यहाँ पर रहना चाह रहा था। क्या लग रहा है कि मार दिया गया है? एकदम डेफिनेटली मारा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अविनाश प्रामाणिक उर्फ सजल। सर, बाथरूम में गए थे, गिर गए। क्या नाम है? रीता प्रामाणिक। आपका क्या नाम है? रघुवंश कुमार सिंह। कब हुआ ये लगातार? सुबह 7 बजे, 7:15। आप लोग मारते पीटते थे? नहीं सर, हम जितना किए ना सर, भगवान जानते होंगे सर, हम भले ही कुछ भी सजा दे दीजिए, कुछ भी सजा दे दीजिए। पढ़ाइए। सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है उसके घर में, जबकि उसके पति एवं उसके नातेदारों द्वारा कहा गया कि महिला की हत्या नहीं की गई है, जबकि वो बाथरूम गई थी और बाथरूम में ही गिर करके उसकी मृत्यु हुई है।
घटनास्थल के लिए मेरे महिला पुलिस कुआनी जयश्री वांद्रा को भेजा गया। मामला संदेहास्पद देखने पर उन्होंने उसका इंक्वेस्ट किया और इंक्वेस्ट के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल MGM भेजा गया है। और मृतिका के भाई रतन कुमार परमाणिक के द्वारा आवेदन लिखा जा रहा है। आवेदन प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना कहाँ की है? पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है अभी। मामला कहाँ था? ये मामला राव कॉलोनी का है। परसुडी राव कॉलोनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अनुसंधान में ये बिंदु स्पष्ट हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर गिर करके उसको हत्या की गई है।